हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, उस डेट में बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटीज अपीयर्ड हैं उनके वैल्यू चेंज हो सकते हैं। वैल्यू चेंज होने से प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, एंड दैट गेन और लॉस शुड बी एडजस्टेड। उसको एडजस्ट करना होता है बिकॉज उस गेन और लॉस पर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में राइट होता है, बट इन फ्यूचर वो प्रॉफिट, वो गेन, वो लॉस न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कोई पार्टनर अननेसेसरी गेन कर जाता है, कोई पार्टनर अननेसेसरी सेक्रीफाइस करता है। सो हम लोगों को एडजस्टमेंट देने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि एडजस्टमेंट देने के दो मेथड्स हैं। व्हेन पार्टनर वांट्स टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रिवाइज वैल्यूज, अगर रिवाइज वैल्यूज पर शो करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट हम लोग जो देंगे, ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन ओल्ड रेशियो बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना के जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। सेकंड जो अल्टरनेटिव मेथड है, व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द रिवाइज वैल्यूज, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यूज पर शो नहीं करना चाहते हैं। दे वांट्स टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर ओल्ड वैल्यूज, एट देयर ओल्ड वैल्यूज मींस दे डू नॉट वांट टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रिवाइज्ड वैल्यूज और ऑल्टर्ड वैल्यूज, नए मूल्य पर, नए वैल्यूज पर शो नहीं करना चाहते हैं। मीन्स बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना चाहते जिन वैल्यूज से एसेट्स और लायबिलिटीज को अपीयर किया जा रहा है, अपीयरिंग है, उसी वैल्यूज पर दिखाना चाहते हैं। देन ट्रीटमेंट कैसे देंगे? ट्रीटमेंट विल बी गिवन इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नोटिस करिएगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय प्रिपेयरिंग टेबल और स्टेटमेंट जस्ट लाइक टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते थे, बिल्कुल वैसे ही दोनों को कंपेयर करिए। रिवाइज वैल्यूज पर शो करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर। रिवाइज वैल्यूज पर शो नहीं करना चाहते, ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है टेबल बनाकर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो स्टेप्स होंगे जस्ट लाइक टू गुडविल, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिकॉज ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है तो ऑब्वियस है हम लोगों को वी रिक्वायर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड स्टेप, प्रॉफिट्स, गेन्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पर हमको कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ उस अमाउंट को कैलकुलेट करना। और नोटिस करिएगा, अब कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ उसको जानने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गेन कब होगा और लॉस कब होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो, लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, इन सबसे गेन होगा, प्रॉफिट और गेन। ठीक है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो, इन सब से हमको लॉस होगा। तो गेन कब होता है, लॉस कब होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ, मैंने रिपीट भी किया है, आपको मालूम है। अब हमको चाहिए क्या कि हाउ मच प्रॉफिट्स, हाउ मच गेन्स और लॉस आते हैं ड्यू टू रिवैल्यूएशन।
रिवैल्यूएशन से कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, हमको उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एंड दैट वैल्यू विल बी फाइंड आउट बाय प्रिपेयरिंग टेबल और स्टेटमेंट, नॉट बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। नोटिस करिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। प्रॉफिट या लॉस सेम आएगा, चाहे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, चाहे टेबल स्टेटमेंट बना लेंगे। बट जब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट देना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने से एसेट्स लायबिलिटीज डेबिट क्रेडिट होंगे, उनके वैल्यू चेंज हो जाएंगे। जबकि पार्टनर ने डिसाइड क्या किया है, दे डू नॉट वॉन्ट्स टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रिवाइज वैल्यूज। एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू को तो वो चेंज करना ही नहीं चाहते। ओके, तो हम लोगों को स्टेप नंबर थर्ड पे, स्टेप नंबर टू पे प्रॉफिट गेन और लॉस को फाइंड आउट करना होगा बाय प्रिपेयरिंग टेबल और रिवैल्यूएशन बाय प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन बाय प्रिपेयरिंग टेबल टेबल और स्टेटमेंट। जस्ट जैसे हमने एग्जांपल लिए प्रीवियस वीडियो में भी, मान लीजिएगा बिल्डिंग बिल्डिंग इज अपियरिंग एट रुपी 5 लाख, नाउ इट इज वैल्यूड और रिवैल्यूड एट रुपी 6 लाख। व्हाट हैपेंस, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 1 लाख। तो आप लोग यहां लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और कितना, 1 लाख गेन हुआ प्लस का आइटम है। नेक्स्ट आइटम आपको बताया, मान लीजिएगा क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ऑफ रुपी 1 लाख एंड आउट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ रुपी 10,000 नो लॉन्गर पेबल, उनको पे नहीं किया जाना। क्रेडिटर्स में क्या हुआ, कमी, क्रेडिटर्स में कमी हुई तो क्या हुआ, गेन। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000 का गेन गेन। ओके, देन देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ रुपी 20,000 एंड नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड ओनली रुपी 15,000। पहले 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्स 15,000। 20 से 15, 5,000 डिक्रीज हुआ। प्रोविजन जब डिक्रीज होगा तो गेन, देन डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गेन। सभी आइटम्स गेन के। लॉसेस क्या ले लीजिए, मान लीजिए अभी हम मशीनरी ऑफ रुपी 2 लाख एंड मशीन इज टू बी डिक्रीज बाई रुपी 50,000, वैल्यू ऑफ मशीन इज डिक्रीज बाई 50,000 और अप टू 1,50,000 मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो मशीन का वैल्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन 50,000 से वैल्यू डिक्रीज हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो माइनस, लॉस के आइटम को माइनस करते चले जाइए, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। देन अगेन फर्नीचर इन बैलेंस शीट, फर्नीचर इज अपियरिंग एट रुपी 80,000 एंड डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 25%। 80,000 का 25% कितना हो जाएगा, 20,000। देन डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 माइनस लॉस, इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप प्रॉफिट के आइटम, गेन के आइटम को एक तरफ लिख दें, लॉस के आइटम को एक तरफ लिख दें, नेट बैलेंस निकाल लें, कोई भी। तो यहां पे नेट फिगर प्लस का आया 45,000, प्लस का आ रहा है गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, गेन ऑन रिवैल्यूएशन फाइंड आउट कर लिए, स्टेप नंबर टू। देन स्टेप नंबर थ्री पे कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट वैल्यूज इन प्रोपोर्शन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस में उन्हें ट्रीटमेंट दिया है। जब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट देना होता है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। मान लीजिएगा देयर आर थ्री पार्टनर्स आर देयर, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1।
ABC 3-2-1. Now they decide to share profits and losses in equal ratio. Calculate gaining sacrificing ratio. जब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे देन ए एंड सी, ए विल सैक्रिफाइस 1/6 एंड सी विल गेन हाउ मच, सी विल गेन 1/6। ओके, ए का जो 3/6 आ रहा था 1/3 कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 देन 3 - 2 सो 1/6, प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है इट मीन सेक्रीफाइस, माइनस का इट मीन गेन, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, प्रॉफिट लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रोपोर्शनेट वैल्यू। अब प्रोपोर्शनेट वैल्यू ए सेक्रीफाइस हाउ मच, हाउ मच, 45,000 × 1/6, 45,000 × 1/6 कितना आ जाएगा, 7,500, 742,335, यस 7,500, एंड सी गेन्स हाउ मच, 45,000 × 1/6, 7,500, गुड इट, प्रोपोर्शनेट वैल्यू आ गया। अब देख रहे हैं बिल्कुल गुडविल की तरह से, जस्ट टैब नंबर 2 चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते थे, चूंकि ट्रीटमेंट गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का देना है, तो गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव प्रोपोर्शनेट वैल्यू, देन पास द एंट्री, पास एंट्रीज स्टेप नंबर 4th पे। और एंट्री जो पास करेंगे, इफ प्रॉफिट्स गेन के केस में क्या होगा, गेन के केस में गेनर टू सेक्रीफाइसर, गेनर गेनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसर्स कैपिटल, और लॉस के केस में क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसर्स कैपिटल टू गेनर। ओके, बिकॉज यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ए सैक्रिफाइस, ए ने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, सी ने गेन किया है, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है 45,000, देन एंट्री गेनर टू सैक्रिफाइसर, जो गेन कर रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और गेन कौन कर रहा है, सी, तो एंट्री जो बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड विद रुपी 7,500। ओके, नरेशन में फॉर एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूड करने की जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है, क्योंकि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप देख रहे हैं पूरे स्टैट को कहीं भी डेबिट या क्रेडिट किया ही नहीं है। जब डेबिट या क्रेडिट किया ही नहीं है, हमने एसेट्स या लाइबिलिटीज को टच ही नहीं किया, जब टच ही नहीं किया तो उनके वैल्यू भी चेंज नहीं होंगे। और अगर रिवाइज्ड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में हम लोगों को रिवाइज्ड बैलेंस शीट अगर बनानी पड़े, तो बिल्डिंग को आप कितने से शो कर रहे होंगे, एट द ओल्ड वैल्यूज 5 लाख, क्रेडिटर्स को आप कितने से शो कर रहे होंगे, एट रुपी 1 लाख, बिल्ड मशीन को आप कितने से शो करेंगे, एट रुपी 2 लाख, फर्नीचर को आप कितने से शो करेंगे, एट द 80,000, मीन्स ओल्ड वैल्यूज पर, ओल्ड वैल्यूज पर शो करना है। ओके, गुड इट, तो इस तरह से सेकंड जो हमारा केस है कि अगर ओल्ड वैल्यूज पर ही शो करना चाहते हैं एसेट्स लायबिलिटीज को, या रिवाइज वैल्यूज पर शो नहीं करना चाहते, तो ट्रीटमेंट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे, टेबल या स्टेटमेंट बना के, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, टेबल बना के इस तरह से प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट किया, देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू, और फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यू से एंट्रीज बनाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी और हमारी बचती है कि
क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ साथ अगर गुडविल की प्रॉब्लम भी दी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की प्रॉब्लम भी दी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहां पे हमने इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर प्रॉब्लम्स कंबाइंड हो विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड विद द ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हो, तो उनका भी हमने इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया है, आपको मालूम है। जस्ट उन सब प्रॉब्लम को एक साथ अगर दिया हुआ है, तो अगर सिंगल एंट्रीज बनाने के लिए कहा तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट देंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस में आपको गिवन हो, आप उसके अकॉर्डिंग हम कमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उन सबको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर नोटिस करिए कि अगर आपको बताया नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को, वेदर दे वांट टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एट देयर रिवाइज वैल्यूज और एट देयर ओल्ड वैल्यूज मेंशन नहीं है, देन आप रिवैल्यूशन अकाउंट बनाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्वेश्चन में नीचे नोट डालिए, हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में रिवैल्यूशन अकाउंट बनाकर ट्रीटमेंट देना चाहिए। आप क्वेश्चन के नीचे नोट डाल सकते हैं, कब? जब आपको क्वेश्चन में क्लियरली स्टेटेड ना हो कि वेदर इट पार्टनर वांट्स टू शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर रिवाइज वैल्यूज और एट देयर ओल्ड वैल्यूज। ओके, गॉट इट? थैंक यू।